Hello students, how are you all? Hope you all are well. Today we will make a picture with earbud impression. In this picture, you can use watercolor or poster color. So let's start the drawing. तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो दो फिश है उसमें हम रेड के अलग अलग शेड से कलर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले प्योर रेड कलर ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ये पार्ट में पहले प्योर रेड कलर डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ ऐसे। पिक्चर तो हमारे पास ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ ही है, तो हमको डायरेक्टली कलर से ही करना है। तो यहाँ पे मैंने रेड कलर किया है। अभी मैंने रेड में थोड़ा सा येलो मिक्स करके रेड का ऑरेंज जैसा शेड बना के मैंने यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमको इधर रेड के अलग अलग शेड में ही कलर करना है। तो रेड में हम कलर को मिक्स करते हुए ऐसे अलग शेड बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेड में थोड़ा सा येलो मिक्स किया है तो ऑरेंज जैसा शेड मिला है, तो मैं इसके ये पार्ट में इधर ये बना रही हूँ। मैं इसके ये पार्ट में भी ऑरेंज कर दूंगी। ओके, अभी डार्क शेड बनाने के लिए मैं थोड़ा रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करूंगी। ब्लैक थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि वो डार्केस्ट कलर है। तो मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं रेड का ये शेड ले रही हूँ। और शेप के बाहर कलर ना जाए उसका ध्यान रखना है। इसके ये पार्ट में भी मैं ये ब्राउन जैसा ही कलर ले रही हूं। और यहां ओके, तो ऐसे सेम तरीके से ये हम दूसरी फेस भी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरी फिश में भी ऐसे रेड कलर के अलग अलग शेड से कलर कर दिया है। अभी कॉटन बर्ड की बारी है। कॉटन बर्ड लेने हैं और कलर में डीप करके ऐसे जैसे यहाँ पे दिख रहा है वैसे हम इसकी इम्प्रेशन बनाएंगे। बट इसके नीचे सपोज ये डार्क ब्लू कलर है तो इसके नीचे ये लोगों ने पहले स्काई ब्लू कलर कर दिया है, उसके ऊपर फिर डार्क ब्लू कलर से कॉटन बर्ड की यूज करके ड्राइंग किया है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे कोई जरूरत नहीं है नीचे कलर करने की, तो हम डिस्टेंस कम रख के ये ईयरबर्ड से ये कॉटन बर्ड से हम इम्प्रेशन करेंगे।
तो देखना मैं कैसे कर रही हूँ। पहले मैं ब्लू कलर ले रही हूँ, जहां जहां पे ब्लू कलर दिख रहा है वहां पे सब जगह पे मैं ये कर दूंगी। ऐसे ऐसे अलग अलग कलर की ब्लू के अलग अलग शेड में इधर है, इधर ब्लू है, इधर स्काई ब्लू और पैरट ग्रीन और डार्क ग्रीन। तो मैं यहाँ पे पहले सब जगह पे जहां जहां पे ग्रीन कलर यूज किया है वहां पे ग्रीन सॉरी ब्लू कलर यूज किया है वहां पे ब्लू कलर कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर और स्काई ब्लू कलर कर दिया है। और याद रखना है कि हर एक अलग अलग कलर में हम अलग अलग कॉटन बर्ड यूज करेंगे। और अगर आपके पास स्काई ब्लू कलर नहीं है तो ब्लू कलर में थोड़ा सा व्हाइट ऐड करके स्काई ब्लू कलर आप लोग बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे पैरट ग्रीन कलर कर रही हूँ। जहां जहां पे पैरट ग्रीन कलर है वहां पे मैं पैरट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पैरट ग्रीन कलर और ग्रीन कलर दोनों से डॉट डॉट कर दिए हैं। तो हमारा ड्राइंग इधर बिल्कुल रेडी है।